महोबा के गांव में परोसी गई बिरयानी पर अब सियासत का मसाला लगना भी शुरू हो गया है। खुद चरखारी के बीजेपी विधायक इस मामले में कूद पड़े हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बिरयानी की आड़ में एक विशेष समुदाय के आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। जी आपको बता दें, विधायक ब्रजभूषण राजपूत का कहना है कि साजिश के तहत लोगों को ऐसी बिरयानी खिलाई गई जो कि उनके धार्मिक मूल्यों के खिलाफ थी। ऐसे में जिन लोगों ने भी ये किया है उन्हें वो सजा दिलाकर रहेंगे। आखिर क्यों मचा है बिरयानी पर ये बवाल, देखिए रिपोर्ट में। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले हैं, भारी पुलिस बल भी दिखाई दे रहा और विधायक जी के काफिले की गाड़ियां भी यहाँ मौजूद हैं। यानी कुछ तो ऐसा हुआ है जो बेहद गंभीर है, और या फिर हालात को गंभीर बनाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें महोबा के चरखारी विधानसभा क्षेत्र के सालट गांव की हैं, जहां पर इस साल हुए उर्स के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। दरअसल सालट गांव के जंगल में एक बाबा की मजार है, जहां हर साल विशेष समुदाय के लोग उर्स का आयोजन करते हैं, जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी उर्स के दौरान सभी लोगों को बुलाया गया, लेकिन इस दौरान 31 अगस्त को परोसी गई बिरयानी विवाद की वजह बन गई। उर्स में हिस्सा लेने के लिए 13 गांव के लोगों को न्योता दिया गया था और यहां उन्हें पूरी सब्जी के साथ मांसाहारी बिरयानी परोसी गई, जिसे लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए। हालांकि बाद में कुछ समझदार लोगों ने दोनों समुदाय के लोगों को समझा बुझा कर मामले को शांत करा दिया और पंचायत में सुलह भी हो गई। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर चरखारी बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत को हुई, तो वो पुलिस प्रशासन के साथ सालट गांव आ पहुंचे और कह दिया कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक ब्रजभूषण का आरोप है कि जो बिरयानी लोगों को परोसी गई, वो लोगों का धर्म भ्रष्ट करने की नीयत से तैयार की गई थी और इसे उन्होंने एक बड़ी साजिश का हिस्सा करार दे दिया। यहाँ की महिलाओं को, बच्चों को भी खिला दिया, आप ताज्जुब की बात कर रहे हैं। अब बताइए, इतनी बड़ी घटना इस हमारी विधानसभा क्षेत्र में हुई है, हमारे धार्मिक आस्था के साथ में खिलवाड़ हुआ है, जानबूझकर हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का काम किया गया है। ये कोई धोखे से नहीं हुआ है, ये षड्यंत्र के तहत। बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी बिरयानी की आड़ में एक विशेष समुदाय की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं यहां का विधायक हूं, मैं विधायक की तौर पर मेरी जिम्मेदारी अधिक है क्योंकि जनता ने मुझे चुना है और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने लोगों के साथ में खड़ा हूँ और मैं मौके पर हूँ और अपने लोगों के साथ में मैं खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। अपने लोगों का के साथ में जो अपमान हुआ है उसको, उनको न्याय जरूर दिलाया जाएगा, हर हाल में न्याय दिलाया जाएगा, अपराधियों को जेल भेजने का काम किया जाएगा और आगे से ऐसी घटना ना घटित हो इस बात को लेकर एक बड़ी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर वार्तालाप की जाएगी। विधायक ब्रजभूषण राजपूत के तेवरों से साफ है कि दोनों समुदायों के बीच सुलह हो जाने के बाद भी वो इस मामले को तूल देने पर आमादा है। वो साफ कह रहे हैं कि धर्म को भ्रष्ट करने की साजिश अगर कोई रच रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं विधायक की शिकायत पर पुलिस ने भी 43 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इसकी वजह से फिलहाल सालट गांव में तनाव बरकरार है। वहीं आस्था और धर्म से जुड़ा होने की वजह से मामला और गर्म हो सकता है, जिसे देखते हुए फिलहाल गांव में बड़ी तादाद में पुलिस कर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं। महोबा से न्यूज 24 के लिए मोहम्मद कफील की रिपोर्ट।